हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन क्रश योर टीचर का पार्ट 9 है। प्रीवियस पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। अवीन की ड्यूगेट भी आ जाती है। वांगजी बाहर नर्वसली चेयर पर बैठा होता है। वांगजी की मदर वांगजी को शांत कराने की कोशिश करती हैं, लेकिन वांगजी काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ होता है। तभी डॉक्टर आते हैं और वो बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर लैन, मिस्टर वे ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। विंग ने बेबी को सर्जरी के थ्रू जन्म दिया था। डॉक्टर की बात सुनते ही वांगजी को थोड़ी राहत मिलती है और डॉक्टर से सीधा विंग के बारे में पूछता है। डॉक्टर बोलते हैं, मिस्टर वे बस थोड़े थके हुए हैं इसलिए सो रहे हैं, अदरवाइज़ वो बिल्कुल ठीक हैं। उसके बाद वांगजी डॉक्टर से विंग से मिलने के लिए पूछता है। डॉक्टर बोलते हैं, हम लोग उन्हें दूसरे रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, उसके बाद आप उनसे मिल सकते हो। फिर वांगजी अपने बेबी को देखने के लिए बोलता है। डॉक्टर बोलते हैं, अभी नर्स बेबी को क्लीन कर रही है, क्लीन करने के बाद उन्हें मिस्टर वे के रूम में ही शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो आप दोनों से तभी मिल सकते हो। जब विंग को शिफ्ट कर दिया जाता है तो वांगजी विंग के रूम में जाता है। डोर ओपन करते ही वांगजी विंग के स्लीपी फिगर को देखता है। उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी और उसे इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन भी था कि विंग बिल्कुल सेफ है। वो विंग के पास जाकर विंग के फोरहेड पर किस करता है। उसके बाद विंग के बराबर में बेबी बेड में सोते हुए वो अपने बेबी को देखता है। वांगजी बस अपने बेबी को ही देखे जा रहा था। उसे नहीं पता होता कि कब में उसकी आँखों से आंसू आने लगते हैं। वो बेबी को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। वांगजी चाहता था कि पहले बेबी को विंग कैरी करे, लेकिन विंग अभी भी सो रहा होता है। कुछ टाइम बाद विंग धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगता है। जब तक विंग सोता रहता है उस पूरे टाइम वांगजी होता है जो कि बेबी को अपनी गोद में कैरी करे रखता है। जब वांगजी देखता है कि विंग ने अपनी आँखें खोल ली, वो उसके सिर पर अपना हाथ फहराता है। विंग भी वांगजी की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। वांगजी विंग के फोरहेड पर किस करते हुए बोलता है, विंग मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ आज। तभी रूम में जियांग फैमिली और लैन फैमिली आ जाती है। यान ली विंग को बैठने में हेल्प करती है और वांगजी विंग की गोद में बेबी को दे देता है। वो लोग बेबी का नेम युआन रखने का डिसाइड करते हैं। सभी लोग बारी बारी से बेबी को कैरी करते हैं, लेकिन वांगजी का बिल्कुल भी मन नहीं होता कि वो बेबी को अपने से थोड़ा सा भी दूर करे। उसकी फीलिंग बिल्कुल ऐसी थी कि अगर उसे थोड़ा सा भी काम ना हो तो वो बेबी को अपने से बिल्कुल भी दूर ना करे। अब विंग घर आ जाता है। वांगजी भी अपने वर्क से कुछ दिन के लिए लीव ले लेता है, जिससे कि वो अपने बेबी और विंग दोनों का ही अच्छे से ध्यान रख सके। वांगजी जितना हो सकता था उतना विंग और बेबी का ध्यान रखने की कोशिश करता था। वांगजी विंग की बैली पर उस मार्क को देखता है। वो थोड़ा सा सैड फील करता है और उसे ही देखता रहता है। विंग वांगजी की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए बोलता है, कुछ निशान अक्सर खूबसूरती और खुशियों की निशानियाँ होती हैं वांगजी, ये भी उन्हीं में से एक है, तो सैड मत हो। वांगजी विंग को देखते हैं और स्माइल करता है। उसके बाद वांगजी विंग के फोरहेड पर किस करता है और वो बोलता है, तुम आराम करो विंग, अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुला लेना, मैं यहीं सोफे पर बैठकर अपना वर्क कर रहा हूँ। अब टाइम बीतता है, विंग की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी है। जियांग फैमिली और लैन फैमिली दोनों ही युआन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हैं। युआन धीरे धीरे अब चलना सीख रहा है और उसने धीरे धीरे कुछ चीज़ें बोलना भी सीख ली हैं। युआन कुछ शब्द जैसे कि मम्मी, पानी और दूध बोलना सीख गया था, लेकिन काफ़ी शब्द बोलने के बाद भी युआन डैडी नहीं बोलता था। आज संडे था, वांगजी की छुट्टी थी। वो आयुआन के साथ खेल रहा होता है और साथ ही में उसे डैडी बोलना भी सिखा रहा होता है। काफ़ी देर हो जाती है, वांगजी से बार बार सिखाते हैं, डैडी बोलो, पर युआन नहीं बोल पाता। या तो वो गलत बोल देता है या फिर बोलता ही नहीं है। वांगजी फिर ट्राई करता है, लेकिन फिर से युआन गलत बोलता है। जब वांगजी बहुत देर तक युआन को सिखाता रहता है और वो ठीक से जब भी नहीं बोल पाता, तो वांगजी इरिटेट होकर बोलता है,
पागल लड़की, इतनी देर हो गई है। परिवान वांगची की इस बात को ध्यान से सुनता है। तभी वहाँ पर विंग आ जाता है। विंग बोलता है, वांगची क्या आज मैं खाना बनाऊँ? वांगची बोलता है, बिल्कुल नहीं, तुम पूरे किचन को आग लगा दोगे। वांगची इतनी खराब इमेज है तुम्हारी नज़रों में मेरी। वांगची बोलता है, क्या मैं इस चीज़ की उम्मीद कर सकता हूँ तुमसे कि किचन सही सलामत रहेगा तुम्हारे जाने के बाद? विंग बोलता है, वांगची मैं कुछ बनाने का ट्राई कर सकता हूँ। वांगची बोलता है, रहने दो, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट अजब गजब होते हैं और उनका शिकार मैं बन जाता हूँ। विंग पॉट बनाता है और वो युआन के पास जाता है। वो युआन से बोलता है, देखा युआन, तुम्हारे डैडी कितने ज़्यादा बुरे हैं। बुरे हैं ना, अच्छी कौन है? तुम्हारी मम्मी। वांगची विंग की इस चाइल्डिश हरकतों को देख रहा था और स्माइल कर रहा था। तभी विंग युआन से बोलता है, युआन बोलो ना, मम्मी क्या है? तभी युआन एकदम से बोल देता है, पागल लड़की। ये सुनते ही तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और विंग वांगची की तरफ देखने लगता है। वांगची क्या सिखा रहे थे तुम युआन को? वांगची एकदम शॉक्ड होकर विंग को देखता है, मैं नहीं, वो। वांगची ये गलत बात है, तुम युआन को मेरे बारे में ये सब बताते हो। वांगची बोलता है, मैं सच में नहीं बताता, मैंने उसे नहीं सिखाया ये सब। विंग बोलता है, तो फिर इसने ये सब कहाँ से सीखा? वांगची बोलता है, वो मैं उस वक्त। विंग बोलता है, तो तुम इस बारे में बताते हो युआन को कि मैं पागल लड़का हूँ? नहीं विंग, ऐसा नहीं है। तभी वहाँ पर वांगची की मदर आ जाती है। वांगची की मदर बोलती है, क्या हुआ सन, कुछ बात हुई है क्या? लेकिन विंग वांगची की तरफ ही नैरो आइज़ के साथ देख रहा होता है। उसके बाद वांगची की मदर युआन से बोलती है, क्या हुआ बेबी, तुमने मम्मा को तंग करा क्या? विंग बोलता है, मदर ज़रा देखना युआन क्या बोलना सीख रहा है। वांगची की मदर बोलती है, बेबी तुम क्या बोलना सीख रहे हो? युआन बोलता है, पागल लड़की। और इस बात को वो बहुत ही ज़्यादा क्यूटली बोल रहा था, जैसे कि ये बिल्कुल नॉर्मल हो। वांगची की मदर हैरानी के साथ बोलती है, ये क्या बोलना सीख रहा है? विंग बोलता है, ये चीज़ आप वांगची से पूछो। वांगची की मदर बोलती है, वांगची तुम सिखा रहे हो इसे ये सब? वांगची बोलते हैं, नहीं मदर। वांगची की मदर बोलती है, वांगची बिल्कुल गलत बात है। वांगची बोलते हैं, मदर मेरी बात तो सुन लीजिए। वांगची की मदर बोलते हैं, कुछ नहीं सुनना, गलत बात है तुम्हारी, तुम्हें एक बच्चे को ऐसा नहीं सिखाना चाहिए। वांगची बोलते हैं, पर मदर। वांगची की मदर बोलते हैं, वांगची। तो ये पीछे से लैंशी चैन हंसते हुए आता है और वो बोलता है, मदर विंग अब वांगची को परेशान करना बंद भी कर दो। वांगची लैंशी चैन को एक क्वेश्चन लुक के साथ देखते हैं। लैंशी चैन हंसते हुए बोलते हैं, वांगची ये दोनों मजाक कर रहे हैं तुम्हारे साथ। वांगची विंग की तरफ देखता है। विंग हंसते हुए बोलता है, वांगची मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं बोलने के मेरे बारे में, और मुझे ये भी पता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं सिखाने वाले युआन को। हो सकता है तुम गलती से ये चीज़ें बोल दो, पर वो इंटेंशनली नहीं होने की। वांगची की मदर बोलती है, वांगची वैसे क्या तुमने सही में इस वर्ड का यूज़ करा था युआन के सामने? वांगची अपने सर को नीचे कर लेता है। वांगची की मदर बोलती है, वांगची हमें सोच समझ के अपने वर्ड्स का इस्तेमाल करना चाहिए बच्चों के सामने, अदरवाइज वो वही चीज़ें सीखते हैं। वांगची इस बात पर सॉरी बोलता है कि वो अब दोबारा ऐसा नहीं करेगा। लेकिन वांगची सोचता है, सीरियसली इसे इतनी देर से डैडी बोलना सिखा रहा था, लेकिन इसने वो तो सीखा ही नहीं। लेकिन मैंने एक बार बोला पागल लड़के और इसने वो बड़ी जल्दी सीख लिया। क्या हुआ अगर सच में युआन बड़ा होकर मदर और विंग की तरह निकला? लेकिन इस बात पर भी वो आँखें बंद कर कर मुस्करा रहा होता है। यान ली जियांग चेंग युआन से मिलने आते हैं। जियांग चेंग युआन के साथ खेल रहा होता है। तभी विंग बोलता है, जियांग चेंग युआन को अपनी तरह ग्रंपी मत बना देना। जियांग चेंग बोलता है, तुम जैसे पागल से तो अच्छा है कि मेरी तरह इंटेलिजेंट ही रहे। विंग बोलता है, बिल्कुल नहीं, अगर तुम पे गया तो मेरा बेटा भी पूरी उम्र कुआरा रहेगा। जियांग चेंग बोलता है, क्या बोला तुमने? विंग बोलता है, सही बोला मैंने, कब करोगे कन्फेस? वेंचिंग से जियांग चेंग बोलता है, मैं कुछ सोच रहा हूँ, अभी कर दूंगा। विंग बोलता है, तुमसे ज़्यादा तो मैंने कन्फेस कर दिया उससे, तुम्हारी तरफ से। जियांग चेंग बोलता है, क्योंकि तुम हो ही पागल। विंग जियांग चेंग को जीप निकाल के दिखाता है और वहाँ से चला जाता है। लेकिन वो उस मोमेंट को याद कर रहा होता है कि आखिर इन्हीं सभी बातों की वजह से तो वो उस दिन वांगजी से मिला था। युआन सच में जियांग्स और लैंग्स दोनों के लिए ही
एक हैप्पीनेस का कारण है। अब लैंड मैंशन में वांगची की मदर की आवाज़ों के साथ साथ वीन के चिल्लाने की आवाज़ों के साथ साथ और युआन के हंसने और खेलने की आवाज़ें भी आती थी। चाहे कोई इंसान कितना ही हो कि उसे शोर पसंद नहीं है, लेकिन ये आवाज़ें वो होती थी जिनसे कोई अपना मुंह नहीं मोड़ सकता था। युआन सभी का प्यारा था और स्पेशली वांगची की मदर का। अब युआन को ये बात पता थी कि अगर वांगची उसे किसी चीज़ के लिए मना करता है तो सिंपल है, उसे अपनी ग्रैंड मदर के पास जाना है और बस, फिर तो उसका काम हो ही जाना है। वांगशी बोलता है, मदर ये आप सही नहीं करते हो। वांगशी की मदर बोलती है, लेकिन इसमें गलती क्या है? वांगशी बोलता है, मदर फिर भी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वांगशी की मदर बोलती है, नहीं मैं ऐसे ही ठीक हूँ और ऐसे ही करना चाहिए, बिल्कुल सही कर रही हूँ, अदरवाइज वरना बेबी तुम्हारी तरह बन जाएगा। वांगशी सोचता है, सीरियसली मेरी तरह बन जाएगा? लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो गारंटी है कि आपकी तरह ही बनेगा। वांगशी की मदर बोलती है, हाँ तो बड़ा होके फिर इंटरेस्टिंग होगा ना, तुम्हारी तरह बोरिंग तो नहीं? लैंशी चैन हंसते हुए अपने डैड से बोलता है, डैड मुझे तो लगता है कि सबसे ज़्यादा वांगजी को टेंशन यही होती है कि युआन मोम की तरह ना बन जाए। वांगजी के डैड बोलते हैं, मुझे भी यही होती है, और दोनों ही हंसने लगते हैं। जब युआन 2 साल का हो जाता है तो वांगशी और विंग शादी कर लेते हैं। विंग के पेरेंट्स भी USA से आ जाते हैं। जब वांगशी और विंग ने युआन के बर्थ के बाद शादी करने का तय करा था, उसी टाइम पे यानली और जिन जुशन की शादी भी तय हो गई थी, लेकिन किसी रीज़न की वजह से उनकी शादी पीछे टालनी पड़ी। विंग चाहता था, क्योंकि यानली की शादी तय हो चुकी थी तो उनकी शादी एक ही दिन हो। फिर उन्होंने डिसाइड करा कि वो तब शादी करेंगे जब युआन 2 साल का हो जाएगा। तो अब वांगजी और विंग और यानली और जिनजुशन ने एक साथ शादी करी है। विंग अभी घर पर रहकर ही ऑनलाइन वर्क करता है, क्योंकि अभी वो पूरा टाइम युआन को देना चाहता है। जब वांगजी घर पर होता है, मोस्टली युआन वांगजी के पास ही रहता है और वो विंग को तो इग्नोर ही कर देता है, और दोनों आपस में मिलकर विंग को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब विंग इन दोनों को इग्नोर करता है तो दोनों ही अपने बेबी फेस के साथ विंग को मनाने आ जाते हैं। अब विंग भी फिर अपनी नाराज़गी शो नहीं कर सकता। विंग सोचता, सीरियसली जब ये दोनों इग्नोर करें तो ठीक, और मैं इग्नोर करूँ तो दोनों ही आ जाते हैं अपने बेबी फेस के साथ। लेकिन ये चीज़ें भी विंग को अच्छी लगती थी। जियांग फैमिली टाइम टू टाइम IUN और विंग और उसकी फैमिली से मिलने आती रहती है। आज भी विंग की शरारतें वैसी ही हैं, आज भी वांगची की मदर वैसी ही है, और जैसे जैसे युआन बड़ा हो रहा है वैसे वैसे उसकी शरारतें भी बढ़ रही हैं। ये सभी चीज़ें वांगची के लिए कहीं ना कहीं सरदर्द है, लेकिन बहुत सारी खुशियों का कारण भी हैं। वांगची अपनी इस फैमिली को ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा खुश है। तो गाइस, इसी के साथ यहाँ पे मेरी सेकेंड कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।